नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। भगवान भोलेनाथ की महिमा को कौन नहीं जानता। पूरे भारत में भगवान शिव की आराधना की जाती है। भगवान शिव को समर्पित मंदिरों में रोजाना आस्था का सैलाब उमड़ता है। आज हम आपको एक ऐसे ही प्राचीन शिव मंदिर के बारे में जानकारी देंगे जिसका वर्णन कई धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। श्रीकालहस्ती मंदिर रिपीट। श्रीकालहस्ती शिव मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुपति शहर के पास श्रीकालहस्ती नामक कस्बे में स्थित है। यह मंदिर पेनार नदी की शाखा स्वर्णामुखी नदी के तट पर मौजूद है। इस स्थान को दक्षिण कैलाश या दक्षिण काशी के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के पीछे त्रिमल्य की पहाड़ी दिखाई देती है। मंदिर के अंदरूनी भाग का निर्माण 5वीं शताब्दी में हुआ था और साथ ही बाहरी भाग का निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया था। मंदिर का निर्माण दक्षिण भारतीय शैली में किया गया है। मंदिर के 3 विशाल गोपुर हैं और 100 स्तंभों वाला मंडप विशेष दर्शनीय है। 100 स्तंभों वाले मंडप का निर्माण 1516 में राजा कृष्ण देव राय के शासन काल में हुआ था। मंदिर में सहस्त्र शिवलिंग भी स्थापित है। इसके अलावा भगवान कालहस्तीश्वर के साथ देवी ज्ञान प्रसून अम्बा की प्रतिमा मुख्य मंदिर के बाहर स्थापित है। कहा जाता है कि 10वीं शताब्दी के दौरान चौलवंश के शासक ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी ली थी। चौलवंश के साथ ही विजयनगर के शासकों ने भी इस मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया था। मंदिर से जुड़ी कथा। मान्यता है कि स्थान का नाम 3 जंतुओं श्री मतलब मकड़ी, काल मतलब सर्प और हस्ती मतलब हाथी के नाम पर पड़ा। कहा जाता है कि इन तीनों ने इसी स्थान पर भगवान शिव की आराधना की थी और मुक्ति प्राप्त की थी। इनमें से मकड़ी ने तपस्या करते हुए शिवलिंग पर जाल बनाया था, साथ ही सांप ने शिवलिंग से लिपते हुए तप किया था। इनके अलावा हाथी ने शिवलिंग का जल से अभिषेक किया था। इन मंदिर में इन तीनों की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। श्रीकालहस्ती मंदिर से जुड़ी अन्य कथा। मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ स्वयं प्रकट हुए थे, इसलिए इसे जागृत मंदिर भी कहा जाता है। कथा के अनुसार एक बार कुछ भक्त शिवलिंग की पूजा कर रहे थे कि अचानक शिवलिंग से खून बहने लगा। इसे देख लोग हैरान रह गए। इस पर एक आदिवासी कनप्पा ने अपनी एक आंख निकालकर भगवान शिव को भेंट कर दी। वह दूसरी आंख भी निकालकर रखने ही वाला था कि भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए और कनप्पा को दूसरी आंख निकालने से रोक दिया। कहते हैं कि उसी समय से ही भगवान शिव स्वयं इस स्थान पर निवास करते हैं। पुराणों में भी है मंदिर का उल्लेख। भगवान शिव की आराधना की थी, 4 बार होती है पूजा। इस मंदिर में शैव पंथ के नियमों के अनुसार ही पूजा अर्चना की जाती है। पार्वती की मूर्तियों को एक वाहन में बिठाकर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। राहु केतु के लिए होती है विशेष पूजा। व्यक्ति की कुंडली में अगर राहु केतु हो तो उसे कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए श्रीकालहस्ती मंदिर में विशेष पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि के दिन के अलावा यहाँ रोजाना सुबह 6 से शाम 7 बजे तक राहु केतु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा से यहाँ पूजा करवाने से राहु केतु का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है। दोस्तों, यह थी श्रीकालहस्ती शिव मंदिर से जुड़ी जानकारी। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।